यूं तो लगभग सभी पुलिस वाले जांबाज ही होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जिनका नेटवर्क इतना अच्छा होता है कि वह किसी भी जुर्म की परत खोलने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही जांबाज पुलिस हैं जलगांव के अकरम शेख। इनका नेटवर्क कितना अच्छा है ये इसी बात से पता चलता है कि अभी हाल ही में 17 जुलाई को स्टेशन रोड पर दत्त डेयरी के करीब एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की घटना घटी थी। उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता अमोल कोल्हे ने बीच बचाव करते हुए आरोपी को लोगों के साथ शहर पुलिस स्टेशन लाया गया था, लेकिन आरोपी शातिर निकला और वह पुलिस के हाथों से फरार हो गया था। अब 25 तारीख यानी शनिवार को अकरम शेख एवं सुधीर सालवे को जानकारी मिली कि फरार आरोपी जलगांव शहर के करीब पालधी बस स्टैंड पर खड़ा है। और फिर क्या था, उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी अपने सीनियर एवं एसडीपीओ नीलाभ रोहन को दी, जिसके बाद एसडीपीओ ने पुलिस थाने के इंस्पेक्टर निगम को कार्यवाही करने के आदेश दिए। जलगांव पुलिस स्टेशन ला गुना दाखल झाला होता सुमारे 8 दिवसापासून। यातील मुख्य आरोपी हर्षवर्धन सुधा पवार हा फरार होता। जळगाव शहर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी अकरम शेख व सुधीर साळवे या दोघांनी आज पाळधीवरून त्यांना सदर गुन्ह्याच्या कामी पोलीस स्टेशनला हजर केले। सदर गुन्ह्यात अटक करून त्यांच्यावर पुढील योग्य ती कारवाई करत आहोत। फिर इंस्पेक्टर निगम के द्वारा बनाई गई टीम मौके पर पहुंची और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी बात जानने के बाद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा लंबे ही होते हैं। जलगांव से जकी अहमद की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।